तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन और ब्लॉग में। फ्रेंड तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ गाजर और चुकंदर का जूस, पालक का, जो कि मार्केट में मिलता है, ठेलों पे लगाते हैं, तो उस चीज़ को हम घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और पता भी चलता है मुझे कि मैंने कैसे बनाया, क्या क्या डाला, कितना क्या डाला है। और पता नहीं पालक बाज़ार में जो भी देते हैं पालक कैसी रहती है, कैसी नहीं रहती, कैसे बनाते हैं। फिलहाल तो मुझे घर पे बना के पीना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि समझ में आता है कि मतलब अच्छा बना है, ख़राब बना, अपने हाथ से बनाते हैं तो मुझे पता है कि किस तरीके से बनाना है, बनाए हैं हम तो फ़ायदा करता है बहुत ज़्यादा। और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि बच्चे आजकल खाने में आप सब जैसा कि जानते हैं कि बहुत ही लापरवाही करते हैं, और जो चीज़ फ़ायदा करेगा वो तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन जो चीज़ नुकसान करेगा वो चीज़ तो बच्चे पहले ही मांगते हैं। जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, रोल हो गया, ये सब चीज़ बच्चों को दिन भर दे दो तो वो खाते रहते हैं, कभी मना ही नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे आ जाती है बात कि कुछ प्रोटीन का खाने को दिया जाए, या दूध वगैरह पीने को दिया जाए, या सेहत के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाए, दी जाए, वो बच्चे नहीं खाते हैं फ्रेंड। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से जूस बनाया है घर पे। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो को देखते हैं देर ना करते हुए, और मुझे बताना ज़रूर फ्रेंड। और मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना फ्रेंड कि आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आती है कि नहीं, और आप क्या चीज़ वीडियो में देखना चाहते हैं, कैसी वीडियो आप सबको ब्लॉग चाहिए मुझे बताना, तो मैं आप सबके लिए वो बहुत पूरी कोशिश करूँगी वैसा ही बनाने के लिए फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। तो फ्रेंड आज हम बनाने चल रहे हैं चुकंदर, गाजर और पालक और अदरक का जूस, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और चुकंदर, जिसे खून की कमी होती है, तो चुकंदर पीने से और गाजर पीने से बहुत ही फायदा करता है। और इसमें ये जो मार्केट में बिकता है चुकंदर का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है, तो मार्केट में भी बिकता है, 20 रुपये गिलास देते हैं। तो हम यहाँ पे घर पे शुद्ध, और मुझे पता रहेगा कि हम कैसे बनाएं और क्या क्या कर डालें इसमें, तो इस तरीके से हम गाजर का जूस घर पे बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 से 3 जो है पालक लिया है जड़, और यहाँ पे 2 चुकंदर है, ज़्यादा पालक नहीं डालेंगे नहीं तो हरा हो जाएगा। और यहाँ पे 4 गाजर मैंने ली है, लमसम ये 1/2 किलो गाजर होंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, ज़्यादा अदरक नहीं डालेंगे नहीं तो पता नहीं बच्चे पी पाएँ कि ना पी पाएँ। तो सारे चीज़ों को मैं कट कर लूँगी फ्रेंड। तो इधर मैंने चारों चीज़ों को कट कर लिया है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे पालक है और ये चुकंदर है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और यहाँ पे देखिए अदरक है और गाजर है। तो इसी का मैं आज जूस बनाऊँगी फ्रेंड, और बच्चों को दूंगी और ख़ुद भी पीऊँगी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड। तो घर पे ही हम बनाते हैं अक्सर करके, जब खाने पीने का मन होता है तो घर पे ही हम बना लेते हैं फ्रेंड। तो धुल के मैंने इसको सब काट लिया है और काट वूट कर धर लिया है, और हम चलते हैं थोड़ा सा इसे एक छोटा जार लेंगे, उसी में इसको पीसेंगे और मिक्सर के जार में पीसेंगे, जूस बनाएंगे बहुत ही अच्छा। तो आप सब लोग बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिएगा, ये मेरा तरीका है फ्रेंड बनाने का, तो हम अपने तरीके से बनाते हैं, देखिएगा मेरा तरीका कैसा लगा आपको, मुझे बताना कमेंट में ज़रूर फ्रेंड, अगर तरीका अच्छा लगता है तो ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए बने रहिएगा फिर। तो फ्रेंड मैंने इधर ले लिया है ये जार छोटा सा, और ये चुकंदर हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड, उठा के जितने कट किए हैं हम सब ये डाल देंगे, और ये अदरक का टुकड़ा इसको पहले पीस लेते हैं, फिर गाजर और पालक को बाद में पीसते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड देखिए मैंने इसको इस तरीके से पीस लिया है, और इसको हम डालेंगे छन्नी में जिसे चाय छानते हैं फ्रेंड। क्या है मम्मी, हमारा झूठ बोलने लगे, कहाँ भाई रख।
कोई कोई आवाज जाए तो सूरज आवाज जाए खाती नहीं पैकेट और रख लो बस यार ये बात हो गया करो तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से इस तरीके से हम इसका जूस दबा दबा के हाथ से, और आप चाहे चम्मच से दबा सकते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं हाथ से दबा के इसका सारा जूस निकालूंगी। तो एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ फ्रेंड, तो एक हाथ से हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना, फिर मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे केवल चुकंदर का जूस मैंने निकाला है, देखिए इतना निकला है। तो ये एक गिलास होगा लमसम, तो अभी गाजर और वो बाकी है, तो इसका ये जो निकला है फ्रेंड, तो इसको हम गाय को खिला देंगे। आप चाहें तो कुछ जो यूज करना चाहें आप यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूँगी, फेंक दूँगी। तो फ्रेंड अब बारी आ गई है ये गाजर की, तो मैं गाजर को भी उठा के इसमें डाल दूँगी, और पालक पालक को भी मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेंड, और गाजर। तो मैं सारी चीज़ों को पीस लूँगी फ्रेंड, आप चाहे थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो मैं थोड़ा सा डालूँगी, बिल्कुल एक घूंट, ज़्यादा नहीं। तो इधर गाजर और पालक को भी मैंने फिर पीस लिया है फ्रेंड इस तरीके से, अब इसको छन्नी में छान लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड इधर गाजर और चुकंदर का जूस बनके तैयार हो गया है, और मार्केट से अच्छा बना है घर पे फ्रेंड। तो घर पे हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कितना कितना कैसे क्या डाले हैं हमारे लिए, और वहाँ पे रहता है तो जो भी मिलता है वो सब पीस देते हैं और बनाते हैं। तो गाजर और चुकंदर और पालक और अदरक का जूस बनके रेडी हो गया है, तो चलिए गिलास में सर्व करते हैं फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो गिलास ले लिए हैं ये इस तरीके से, तो फ्रेंड देखिए मैंने दो गिलासों में डाल दिया है। और इसके बाद में अब बारी आई है थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि बाजार में डालते हैं काला नमक, काला नमक से आप सबको पता है टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो बस इस तरीके से मैंने बना लिया है चुकंदर और गाजर का जूस। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया है, बहुत ही सेहतमंद है फ्रेंड हमारे सेहत को, और दिमाग कमज़ोर रहे या मतलब सेहत अच्छी ना रहे तो ये जूस, खून की कमी रहे तो बहुत ही ज़्यादा खून बढ़ता है, एक हफ्ते में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खून बढ़ जाता है इससे। तो आप सब इसको ज़रूर पीजिए इस तरीके से बना के, बिल्कुल सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस केवल काटना है, मिक्सी में पीसना है और गिलास में छन्नी छान लेना है फ्रेंड। तो इसी तरीके से बनाना है फ्रेंड, तो बस। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने बनाया है चुकंदर और गाजर का जूस पालक का फ्रेंड। तो ये रेसिपी देखना बताना कि कैसी लगी इस तरीके जिससे मैंने बनाया है, आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप सबके सेहत के लिए भी अच्छा है, तो घर में बना सकते हैं, पी सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही आजकल मार्केट में सस्ता मिल रहा है गाजर और चुकंदर और पालक, सारी चीज़ें सस्ती हैं। तो एक बार ख़रीद लाएंगे तो घर में बनाएंगे कम से कम 4-5 दिन, और इस तरीके से 20 रुपये का एक गिलास 25 का एक देता है, तो उससे पता भी नहीं चलता है किसको पिलाएं किसको ना पिलाएं। तो इस तरीके से फ्रेंड, तो ये मैंने गाजर का और चुकंदर का जूस बनाया फ्रेंड। तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, पसंद आए दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, और नए अगर मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरी वीडियो को फ्रेंड, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।